एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जयपुर में एक प्रकरण हुआ था। वहां की रेजिडेंसी सीज की मस्जिद जो थी वहां पर एक वक्फ कमेटी को बनाने को लेकर बड़ा लंबा धरना प्रदर्शन चला था और काफी दिनों तक वो प्रदर्शन रहा था। उसके बाद उसमें कई सारे राजनीतिक लोग कैबिनेट मंत्री तक आए खुद और उन्होंने वादा किया कि आपकी जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी। और तय यह हुआ था कि मस्जिद की नई कमेटी का गठन किया जाएगा और जो अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा। लेकिन इसको आप प्रदेश की बदकिस्मती कहिए या जनता की आवाज ना सुनने की एक आदत कहिए कि चुनावी राज्य होते हुए भी राजस्थान में जनता को निराशा हाथ लगी है। 6 महीने पहले किया गया वादा अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है, तो जनता क्या करे, कहां जाए, फिर से आंदोलन को मजबूर ये जनता है। और जनता कह रही है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही तो जब तक हमारा काम नहीं होगा वोट के बहिष्कार की भी घोषणा वहां के लोगों ने की है। तो आखिर जनता की जो आवाज है लोकतंत्र में वो सर्वोपरि होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही है और लोग फिर से आंदोलन करने पर मजबूर हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई उनका अपना जाति मामला है या पर्सनल मामला है, मामला ये है कि मस्जिद की एक जो कमेटी है उसका गठन होना है, दूसरे वहां पर जो अतिक्रमण है लोग उसको हटवाना चाहते हैं। पता नहीं कौन सी मजबूरी है सरकार के पास कि वो ऐसा नहीं कर रही है, या सरकार के जो लोग हैं जो आला अधिकारी हैं वो या तो गुमराह कर दिए गए हैं या वो करना नहीं चाहते हैं। आइए देखते हैं इसी मुद्दे पर ये खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर की मस्जिद रेजिडेंसी का मामला आज फिर से तूल पकड़ गया है। पिछले 6 महीने से सरकार कमेटी गठन की मांग करने के बाद फिर से स्थानीय लोग आंदोलन पर उतारू हो गए हैं और वक्फ बोर्ड चेयरमैन के पुतले को जूते की माला पहनाकर पहले रैली निकाली और उसके बाद पुतले का दहन कर दिया। पुतला दहन के बाद स्थानीय लोगों ने सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए खुले तौर पर कांग्रेस का वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है और कहा है कि जिस सरकार में इतनी शर्म नहीं है कि वो अपने वादे न निभाए उसका क्या किया जाए। 6 महीने पहले फरवरी में करीब 106 दिन की बुजुर्गों की सामूहिक भूख हड़ताल के बाद सरकार 1 महीने में मस्जिद स्थानीय और नई कमेटी बनाने का ऐलान किया था। खुद कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल थे। अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष ने वादा किया था जिसमें कमेटी बनाने और मस्जिद से अतिक्रमण हटाने की मांग थी, लेकिन सरकार पिछले 6 महीने से वादा पूरा करने में आनाकानी करती रही। कई बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार की ओर से कोई राहत नहीं दी गई। इसे स्थानीय लोगों ने बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए आज फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि सरकार खुद का संवेदनशील बताती है, लेकिन यहां सबके सामने खुले में है कि हमारी जायज मांगों पर ये लोग क्या काम कर रहे हैं और किस तरह आम आदमी परेशान कर रहे हैं। महिलाओं का मदरसा, इनका स्कूल बंद करने की वक्फ बोर्ड तैयारी कर रहा है, हमारी कमेटी क्यों नहीं बनाई जा रही है। मैं कह रहा हूँ अगर इस तरह की हरकत करते रहे तो आने वाले चुनाव में मुसलमान बिल्कुल वोट नहीं देगा। राजस्थान का मुसलमान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 6 महीने लगे तो कमेटी नहीं बनी, इसकी क्या वजह मानते हैं? कमेटी नहीं बल्कि मैं कह रहा हूँ माइनॉरिटी का काम न तो नो के नो विधायकों ने किया है, न ये जो CM साहब है इन्होंने भी ऐसा कोई खास काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। अगर कुछ अच्छी योजनाएं थी उन पर या खानू खान जैसे लोग, रफी खान जैसे लोग पानी फेर रहे हैं, इससे बड़ा नुकसान। खानू खान को फौरन हटाओ अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है तो। प्रताप सिंह जी ने आश्वासन दिया था, लेटर भी लिख दिया था, लेकिन उनके आश्वासन पर भी कमेटी नहीं बनी। अफसोस की बात तो यही है, वो राजस्थान के शेर बताए जाते हैं सियासत के, लेकिन उनकी बात भी बहुत इस्तकबाल किया प्रताप सिंह जी की, बहुत दुआई देते रहे, लेकिन प्रताप सिंह भी कारगर साबित नहीं हुए हमारे लिए। कम से कम हमारा काम तो नहीं करा पाए वो, उनको खम ठोक देनी चाहिए थी। उनके क्षेत्र की मस्जिद मदरसे हैं। अल्टीमेटम यही है कि मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मैं तो कह रहा हूँ खानू खान को बर्खास्त करो और राजस्थान की जितनी भी वक्फ संपत्ति उसको बचाओ। देखिए, हमारी पिछले एक साल से एक ही मांग चल रही थी कि इस कमेटी का जो है वो गठन किया जाए, नई कमेटी बनाई जाए इस कमेटी को लेकर के। और जब पिछली बार 106 घंटे की लंबी भूख हड़ताल हुई थी उसके अंदर ये वादा किया गया था हम लोगों से कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी कमेटी को बना दिया जाएगा, लेकिन उस बात को अब 6 महीने होने को आ गए हैं पर अभी तक वक्फ बोर्ड की 3 बैठकें हो चुकी हैं, उसके ऊपर इस कमेटी के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
छह महीने के अंदर तीन बैठक के अंदर कोई निर्णय नहीं लिया गया, इससे क्या अगला कदम यही है कि हम एक हफ्ते का उनको टाइम देते हैं। इस एक हफ्ते में अगर उन्होंने इस कमेटी को लेकर के कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हम फिर से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और फिर से हम जो है सीएम के पास भी जाएंगे और अपनी मांगे रखेंगे। इसका हमारी मांग है कि इस खानुखा को चेयरमैन को जो है फौरन यहाँ से इस पद से हटाया जाए।